King of the Road, Trailer of Sailoring. Hello guys, assalamu alaikum and welcome back to my channel once again today. Hope you guys are well and doing great. So let's start our new vlog today. In this vlog, I'm going to share my summer collection haul. Basically, it's going to be a little special. So yeah, let's start our video and watch till the end. And if you're new on our channel, so like, share and subscribe the channel also, because it is going to be a very big support from you guys to me. And yeah, watch till the end and press that bell icon so you will get all my new notification of videos easily and free. So let's start the video. तो जी चलें, यहाँ पर मैं आपको अपने कुछ समर कलेक्शन के ड्रेसेस दिखाती हूँ, जिसमें से अभी फ़िलहाल ये ड्रेसेस दिखा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, इसलिए इनमें से अभी आज मैं आपको 3-piece ड्रेसेस के 3 suits दिखाऊंगी, जो कि काफ़ी डिटेलिंग के साथ होने वाली है. और इसमें आप सारे कपड़ों के डिज़ाइंस भी दे सकते हैं. इसके ये वाली जो डिज़ाइन है मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी. ये मेरी आंटी ने मेरे लिए स्टिचिंग की थी और बहुत ही प्यारी स्टिचिंग की थी. इवन द बटन्स आर आल्सो मेड ऑफ हर हैंड्स. तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मेहनत की और बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया. जैसे कि मैं इनको आनी कहती हूँ, तो बहुत शुक्रिया आनी. और यहाँ पर जी सेकंड ड्रेस जो है वो भी काफ़ी मतलब कलर ब्राइट है. मुझे इस तरह ही कलर अच्छे लगते हैं कपड़ों में. तो ये देखिए, ये ब्राइट कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था. रेड और ऑरेंज टाइप का ये कलर था. और इस पर ये ड्रेस जो अनरखा डिज़ाइन जिसे कहते हैं, लेस के साथ और ये डोरी के साथ काफ़ी प्यारा लग रहा था. ये जो है मैंने रेडीमेड बाई किया था. ये आई थिंक बिन सईद की ड्रेस थी जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था. और 3-piece suit बिल्कुल ऑल सेट रेडी था, रेडी टू वेयर ड्रेस थी है. तो काफ़ी अच्छा लगा, ये भी मुझे अच्छा लगा पर्सनली. तो इसका दुपट्टा और दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा और लंबा चौड़ा था. और पजामे की जो है स्टाइलिंग भी काफ़ी अच्छी थी और उसकी प्रिंट भी आप देख सकते हैं, अच्छी लग रही थी काफ़ी. और जो ये थर्ड ड्रेस जो है, ये डायर ड्रेस आप कह सकते हैं. और इसकी स्टिचिंग मुझे काफ़ी पसंद आई थी क्योंकि बिल्कुल सिंपल ड्रेस की जो स्टिचिंग थी, कमीज़ जो सिंपल होती है, मैं मुझे भी ज़्यादा शोशा वाले मतलब ड्रेस नहीं पसंद है. बिल्कुल सिंपल जिसके अंदर स्टिचिंग हो तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है. इसकी आपने नेक भी देखी होगी, नेक की भी स्टिचिंग बहुत ज़्यादा सिंपल है. और इसके जो दामन है और उसके लेसेस वगैरह भी आप देख सकते हैं कि आजकल ऐसे ही लेसेस ज़्यादा चल रहे हैं, तो मैंने इसी वजह से भी ये लिया था. और काफ़ी सिंपल और एलिगेंट डिज़ाइन था बेसिकली ये. और इसका दुपट्टा जो है आप कह सकते हैं फॉर्मल था. ये ड्रेसेस आपने नोट किया हो, कुछ फॉर्मल टाइप ड्रेसेस थे क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके रिलेटिव्स तो कोई होते नहीं हैं, तो इसलिए आना जाना कम ही रहता है. तो घर में तो आप फिर भी कुछ भी आम से ड्रेसेस पहन सकते हो, पर बाहर जाते हुए ही मैं ज़्यादातर इन ड्रेसेस को पहनती हूँ. तो जी यहाँ पर मैंने आपको ड्रेसेस भी वेयर करके दिखाए कि पहनकर ये ड्रेसेस कैसे लग रहे थे. और ये देखें, दुपट्टे की कढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे. और फॉर्मल सा ये ड्रेस था जिससे सिंपल और एलिगेंट दोनों ही लुक आ रहे थे इसमें. तो ये नेक की डिज़ाइन और दुपट्टा भी मैंने आपको वेयर करके दिखा दिया था. और जी ये सेकेंड ड्रेस था, सेकेंड ड्रेस भी काफ़ी कलर इसका बहुत ज़्यादा प्यारा था. और इसके साथ ये दुपट्टा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था पहनने के बाद. और इसकी ये जो आप मैं स्लीव्स दिखा रही हूँ, ये स्पेशली मेरी आनी ने बनवाया था क्योंकि मुझे ये उन्होंने जो एक ड्रेस बनवाई हुई थी तो मुझे उनको देख के काफ़ी अच्छा लगा. तो मैंने उनको कहा कि इस ड्रेस पर भी मुझे वैसे ही स्लीव्स बना दें, तो उन्होंने बड़े प्यारे तरीके से उसको स्टिच किया. और ये थर्ड ड्रेस जी, ये जो मैं आपके सामने पहन कर आई हूँ, ये बिन सईद की कलेक्शन है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी पहनने के बाद. और ये थोड़ा सा अनरखा स्टाइल है, तो आप देखें इसका दुपट्टा भी काफ़ी लंबा चौड़ा था, तो मुझे पर्सनली ये कपड़ा भी काफ़ी अच्छा लगा. सिंपल सी इसकी स्लीव्स थी और ड्रेस ओवरऑल बहुत ज़्यादा प्यारा था. तो ये पहनने के बाद भी काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था. आप देख सकते हैं इस तरह डिज़ाइन इवन आप स्टिच भी करवा सकती हैं और इस तरह डोरी वगैरह भी लगा कर काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लुक्स का आता है, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था. यू गाइस लाइक टुडेस वीडियो एंड इफ यू डिड सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन अल्लाह हाफिज़. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय.